हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सुफियान, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मेरे पास है सीट की तरफ से आने वाला एनजी पैक लैपटॉप बैकपैक। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, हम इसके अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर हमको कितने पॉकेट्स मिलते हैं, कितना सामान हम इसके अंदर डाल सकते हैं और इसका प्राइस क्या है। और ये वीडियो बन रहा है कोलैबोरेशन में सीट के साथ, तो बिना वक्त गवाए जल्दी से जल्दी आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइज ये है सीट की तरफ से आने वाला सीट एनजी पैक बैकपैक। और यहाँ पे हमको बड़ी सी सीट की ब्रांडिंग मिल जाती है, आगे की तरफ मिल जाता है यूएसबी पोर्ट जिसमें कि आप अपना पावर बैंक कनेक्ट कर सकते हैं और फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। वाटरप्रूफ मटेरियल का बैग बना हुआ है, नीचे की तरफ लिखा हुआ है बिल्ट फॉर इंजीनियर्स, तो ये इंजीनियर्स को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। और ऊपर है एनजी पैक की ब्रांडिंग, और ये बेसिकली इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। वो क्यों है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। आगे की तरफ आपको अपने छोटे आइटम्स रखने के लिए एक एक्सेस पैक मिल जाता है, जिसके अंदर हमको सबसे पहले मिलता है रेन कवर। तो रेन कवर इस बैग के साथ आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है, ये आपको स्प्लैशेस वगैरह से बचाएगा। और अंदर एक केबल है जिसमें आप अपना पावर बैंक कनेक्ट करके रख सकते हैं, एंड ये सप्लाई देगा आगे की तरफ यूएसबी पोर्ट में। साथ ही छोटे मोटे आइटम्स जैसे कि छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स, मेट्रो कार्ड्स और माउस, ये सब चीज़ें आप इस पॉकेट के अंदर कैरी कर सकते हैं। बीच में हमको मिल जाती है एक और मिडिल पॉकेट जिसमें कि आप अपने लैपटॉप का चार्जर, फाइल्स, फोल्डर्स, नोटबुक्स, ये सब चीज़ें इजीली कैरी कर सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल पैडिंग के साथ ये मिडिल पॉकेट हमको मिल जाती है इस बैकपैक के अंदर। और सबसे पीछे एक साइड एक्सेस पॉकेट हमको मिलता है जिसमें कि हम अपना लैपटॉप रख सकते हैं। नाउ ये पॉकेट डिज़ाइन है 17 इंच तक के लैपटॉप के लिए। मेरे पास एक 15.6 इंच का लैपटॉप है, उसको हम एक बार रख के देखते हैं। तो ये है लेनोवो का लीजन वाईफाई 40, और बहुत ही इजीली ये इसमें फिट हो जाता है, यहाँ तक कि थोड़ी सी जगह भी बाकी है। तो 17 इंच तक का लैपटॉप इसमें आप इजीली रख सकते हैं। आगे की तरफ मैं रख के देखता हूँ अपना माउस, तो इसको मैं इजी एक्सेस पॉकेट में डालूँगा, तो ये बहुत ही इजीली इस छोटी सी पॉकेट के अंदर फिट हो जाएगा। एंड लास्टली बीच वाली पॉकेट में हम डालेंगे अपना लैपटॉप का चार्जर। तो काफ़ी भारी ब्रिक मेरे को इस लैपटॉप के साथ कैरी करनी पड़ती है, एंड आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ बैकपैक जिसमें कि ये सारा सामान ईजिली फिट हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको रख देते हैं। तो इस तरह से सारा सामान इस बैकपैक के अंदर आया था, और अभी भी काफ़ी जगह इस बैकपैक के अंदर बाकी है जिसमें मैं अपने नोटबुक्स और हार्ड डिस्क और बाकी सारी चीज़ें भी कैरी कर सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इट्स अ क्वाइट स्पेशियस बैकपैक, 30 लीटर की इसकी टोटल कैपेसिटी है, और बहुत ही ईजिली आप इसमें अपना सारा सामान डे टू डे कैरी कर सकते हैं। तो बिल्ट क्वालिटी के मामले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फील होता है, इवन हैंडल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी है इसका ऊपर की तरफ। एंड पीछे की तरफ आपको मिल जाते हैं चेस्ट स्ट्रैप, और ये जो कुशनिंग है ये आपके बैक के ऊपर से लोड को टेक ऑफ करने में मदद करती है। साथ ही ये जो एयर चैनल बना हुआ है स्वेटिंग के टाइम पर, वो काफ़ी हेल्प करने वाला है। एंड जैसा कि मैंने बताया, चेस्ट बकल भी आपको मिलता है जो कि एडजस्टेबल है, और ये मैंने आज तक किसी भी बैकपैक में नहीं देखा। यूजुअली एडजस्टेबल नहीं होते हैं, ये की जगह पे फिक्स्ड होते हैं। तो ये थी पूरी कहानी इसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की दोस्तों। तो ये तो था पूरा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। अब एक बार इसको अपने शोल्डर्स के ऊपर डाल के मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसा लगता है। जस्ट गिव मी अ सेक। One eternity later. तो गाइस कुछ इस तरह का लुक आपको मिलता है पूरे बैकपैक का जब आप उसको अपने शोल्डर्स पर पहनते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक चेस्ट स्ट्रैप भी मिलता है जो कि एडजस्टेबल है, इसकी पोजीशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं, राइट? तो विच इज़ अ वेरी नाइस टच, और इसको हम लूज और टाइट भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर चेस्ट साइज। तो मेरे को काफ़ी पसंद आया, एंड इसकी वजह से भी इसकी मूवमेंट बहुत हद तक एजुकेंसी कंफर्टेबल रहती है। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द बैक। एजुकेंसी काफ़ी अच्छी पोजीशन पे इसकी हाइट आकर रुक जाती है, ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, एंड काफ़ी अच्छा इसका कंफर्टेबल मेरे को लगा, कंफर्टेबल फीलिंग मेरे को लगा। यहाँ पे आप एक बॉटल रख सकते हैं एंड ट्राईपॉड भी रख सकते हैं क्योंकि ऊपर एक रेड स्ट्रैप दिया हुआ है। एंड ऑन द राइट साइड ऑल्सो देर इज़ अ बॉटल पाउच, दिस वन मेश का बॉटल पाउच, स्टडी है बट आई थिंक पतली बॉटल्स इसमें काफ़ी इजीली आ जाएंगी रादर देन द थिक वंस। तो वो उसके लिए आपको उन्हें बैग के अंदर रखना पड़ेगा। बैग का मटेरियल वाटरप्रूफ है, एंड काफ़ी हद तक इट कैन स्टे सेफ व्हेन इट कम्स टू
योर रेन स्प्लैशेस, बल्कि साथ में एक रेन कवर तो दिया ही हुआ है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये था पूरा लुक एंड फील स्यूट के बैकपैक का। यदि पूरी कहानी स्यूट के एनजी पैक बैकपैक की, ये बैकपैक इंडियन मेड है, इंडियन ब्रांड है, और जैसा कि मैंने आपको बताया वाटरप्रूफ मटेरियल का बना हुआ है, काफ़ी स्टडी मटेरियल है, एंड ये आप बाय कर सकते हैं स्यूट की वेबसाइट से और अमेजोन की वेबसाइट से। प्रोडक्ट का लिंक मैं आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। और आज इतना ही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं यूट्यूब उसे नए लोगों तक पुश करता है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही टेक वीडियोस लाता रहता हूँ। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वेरी सून। टेक केयर गाइज़।